हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका गेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो एक मोटिवेशन टाइप का एक मिरर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी इन्जॉय कर रहे हैं। गेट 2020 के फॉर्म्स भी आ चुके हैं और कुछ लोगों ने फॉर्म भर भी दिए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने अभी भरा नहीं है, सोच रहे हैं कि भरेंगे। तो यार, गेट का एग्ज़ाम ना मजाक नहीं है। अगर आपने सोचा है कि गेट लिखना है, क्यों लिखना है भाई? हर कोई गेट नहीं लिखता। सबकी वजह होती कि वाई, क्यों लिखना क्यों है भाई? अच्छा कैरियर चाहिए तो लिखना है, रैंक चाहिए उसमें चाहिए, क्योंकि बहुत सारे PSUs में आपकी जो एंट्री होती है वो गेट के थ्रू ही हो सकती है। या अगर आपका सपना है कि IIT से पढ़ना, जो कि एक ड्रीम होता है किसी का, IIT से अगर आप पढ़ेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छा एक्सप्लोर करेंगे और कैरियर का जो आपका जो ग्राफ है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, सब पता है आपको क्यों लिखना है गेट। बट अभी भी दिक्कत क्या है, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। तो यार कब तक चलेगा ऐसा? आप कब तक खुद से एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? बहुत लोग अभी भी इन्जॉय कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। यार अब तो फॉर्म भी भर दिया, अब तो पढ़ो ना, क्योंकि अराउंड 120 से 130 डेज रह गए हैं गेट एग्ज़ाम में और अभी भी बहुत लोग तैयारी नहीं कर रहे। गजब का एफर्ट चाहिए, गेट एग्ज़ाम मजाक नहीं है, आपको बहुत ही गजब का एफर्ट चाहिए। और यार सोचा है क्यों लिखना है यार, जब ये रीज़न यार आपके पास है तो क्यों नहीं तैयारी कर रहे अच्छे से? क्यों एफर्ट नहीं है आपके अंदर? एफर्ट डालिए यार, क्यों नहीं डाल रहे? 100 दिनों की बात है, अगर ये आप 100% एफर्ट इन 100 डेज में पुट कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये। अगर आपने सोचा है क्यों लिखना है, सब कुछ वजह आपको पता है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ वजह आपको क्लियर है कि आप गेट लिखना जा रहे हैं, तो भाई सितंबर 17 हो गया है, सितंबर में 13 डेज रह गए हैं, उसके बाद ये भी डेज ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई क्यों नहीं लिख रहे हो फिर? कब लिखोगे आप? तो आप खुद से पूछिए यार कि कर क्या रहे हैं आप, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं डे बाई डे। आप बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहे, बिल्कुल गेट के लिए तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? तो सब कुछ पता है आपको कि गेट एग्ज़ाम क्यों लिख रहे हैं, एफर्ट अभी कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं चल रही आपकी। पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, कोई एफर्ट ही नहीं है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही नहीं है, कैसे चलेगा यार ऐसा? आपके पास ये 120 से 130 डेज हैं, आपकी लाइफ को ये सुधार सकता है और यही बिगाड़ सकता है। अगर आप गेट टारगेट कर रहे हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, तो गेट एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सब पता है क्या रीज़न है गेट लिखने का, सबको पता है। जब हर किसी ने डिसाइड किया था कि गेट क्यों लिखना है, सबके पास रीज़न होता है। तो भाई उस रीज़न को आप अच्छे से पकड़ के मोटिवेटेड इंस्पायर क्यों नहीं होते? क्यों यार अपना एफर्ट आप डालना बंद कर देते हैं? यार खुद से सोचना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ है, तुमको सब आंसर पता है, एफर्ट तुमको डेली डालना पड़ेगा। अगर आप एक एक दिन को भी अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं बहुत ही अच्छे वे में, तो एक एक करके जब आप 100 तक उसको ऐड करेंगे ना, तो आप में गजब का कॉन्फिडेंस होगा, गजब का नॉलेज होगा और गेट एग्जाम में रैंक आप ला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। 100% डिटर्मिनेशन, वजह जो है उससे मोटिवेट रहना, यही सब है। वरना तो आप वंडरिंग करते रह जाएंगे, गेट 2020 भी निकल जाएगा, सोचते रहिएगा गेट 2021 टारगेट करेंगे, तो बस यही आपकी लाइफ चलती रहेगी। क्योंकि एक्शन हमारे हैं ही नहीं, कहीं एक्शन बिल्कुल नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। क्यों आपका टाइम शेड्यूल नहीं है? क्यों ये आपको वजह नहीं लगती कि यार गेट एग्ज़ाम मेरी लाइफ का एक पैशन होना चाहिए, मेरा एक मकसद होना चाहिए? यार एफर्ट डालो, 100% दे के प्रिपेयर करो, अभी भी ये कुछ नहीं बिगड़ा है। हो सकता है अगर आप इसमें 100% डाल के 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ते हैं, गजब का एफर्ट डाल के, तो नो डाउट अभी भी आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस 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 और एफर्ट, नो डाउट गजब का एफर्ट डालना है। तो चॉइस आपकी है, करना चाहते हैं करो, वरना कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, खुद की लाइफ है तुम्हारी खुद की, गेट एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और फिर बैठ के रोते रहिए बस ये टाइम पास के चक्कर में। तो चॉइस आपकी है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि यार अगर गेट टारगेट किया था, जब फॉर्म भरा होगा आपने, या जब भी सोचा था कि गेट 2020 लिखना है,
वजह भी होती है सबकी, कोई बिना वजह कोई नहीं लिखता, तो वो कहाँ गई अब वजह? क्या इतने अच्छे हो गए आपके, क्या आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा हो गया, या बहुत बड़ी आपकी जॉब लग गई? क्यों? सब रीज़न आपको क्वेश्चनिंग खुद से करनी है, ठीक है? तो चॉइस आपकी है, जो करना है करिए। बस मैं आपको बस यही कहूँगा कि यार अभी भी 4 महीने ये रह गए हैं, और गजब का एफर्ट डाल के ना बहुत अच्छा आप इम्प्रूव करके बहुत ही अच्छा रैंक ला सकते हैं। बस एफर्ट 100% आपको देना पड़ेगा। ये 100 डेज सब कुछ छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ छोड़ के ये 100 डेज आपका पैशन होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए कि कुछ भी करूँगा इस 100 डेज में मैं अपना बेस्ट अब तक का एफर्ट डाल दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में पुट नहीं कराया। गेट का जो वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, फिर क्यों टाइम पास हो रहा है? तो चॉइस आपकी है, जैसा करना है करिए, कोई बात नहीं। मैंने आपको जस्ट बता दिया जो एक्सक्यूजेस पे आप चल रहे हैं ना, तैयारी नहीं कर रहे, बहुत ही आगे जाके हर्ट करने वाला है। और आगे जाके जब टाइम निकल जाता है ना, टाइम की वैल्यू अभी हमको नहीं पता, आगे जाके पता लगेगी तो बहुत देर हो जाती है। तो चॉइस इज़ योर्स। तो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, अपना 100% डालिए, जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। नो डाउट अगर आपका एफर्ट 100% है, डेडिकेशन सुपर्ब है, तो नो डाउट रैंक आपका बिल्कुल आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, द चॉइस इज योर्स। थैंक यू।